उसके बाद उनकी मौत हो गई है। सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, जांच करवाएगी इसकी? इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी होगी। इसके लिए हम सब लोग मर्माहत हैं, दुखी हैं, और इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने वाले लोग किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जेडीयू ने लाते रहे हैं, लोगों से अपील भी करते रहे हैं, और इसका लार्जर इम्पैक्ट सोसाइटी में दिखाई पड़ रहा है, और हमेशा कहें कि महिलाओं के आग्रह पे ये किया गया है। संशोधन करने की जरूरत की नहीं, वो तो टाइम टू टाइम इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो लॉ में तो होता ही है ये चीज़, कहीं कभी ज़रूरत होगा इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का, कहीं लगता है कोई इशू है उसको रिजॉल्व करने का, वो तो सरकार करता ही है। विपक्ष कितनी दिक्कत क्यों रही, वो कह रहे हैं कि कुछ बदलाव नहीं आया है समाज में, लगता है नहीं, वो तो अब उस पर अब वो तो सब लोग तो शपथ लिए ही थे ना हाउस में, उसमें तो सारे लोग थे, उसमें तो कोई पार्टी था नहीं कि पक्ष और विपक्ष था, और इसका मुझे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत ही करेजियस डिसीजन था, आसान डिसीजन नहीं था। मुख्यमंत्री को एक बड़ा जो एक सेक्शन का वो भी लेना पड़ता है जो तरह तरह की बात करता है, लेकिन अपने डिसीजन से वो अडिग नहीं हुए। क्या राहत कराई होगी? नहीं नहीं, कराई भी होगी या राहत भी मिलेगा ना भाई, अगर कुछ लगता है कि कहीं कोई समस्या इसको लेकर है, जो भी इसमें चेंजेज आ रहा है डिटेल्स आ जाएगा, लेकिन लार्जर इम्पैक्ट इसका सोसाइटी में बहुत पड़ा है। हम लोग पॉलिटिकल फील्ड में हैं, शाम में 5 बजे के बाद गाँव नहीं जा सकते थे, चौक चौराहा नहीं जा सकते थे, शादी ब्याह नहीं अटेंड कर पाते, अब श्राद्ध तक में आप देखते थे पीपा के बैठा रहता, यही सच्चाई है, आया है ना कमी। स्वागत सभी को करना चाहिए, 100% कहते हैं कि प्रभावी रूप से लागू रहेगा, ये तो बिल्कुल 100% प्रभावी रूप से लागू रहेगा। सर, एक वीर कुंवर सिंह के परपोते की हत्या हुई है, पुलिस की पिटाई से जो खबर आ रही है, जांच की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच के लिए आप लोग जानते हैं, नहीं उस पे तो आप देख रहे हैं कि कमेटी बैठ गई है और जांच कर रही है, शायद जो मैं पेपर में देखा हूँ ये कि उन लोगों को कुछ क्लू भी मिला है इस चीज़ को लेकर के, और अगर कुछ ऐसा होता है तो सरकार में निश्चित रूप से जो भी जांच संभव होगा वो करवाया जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।